नमस्ते ये वीडियो आपको ऑर्डर्स मैन्युअली क्रिएट करना सिखाएगा आपको ये सिर्फ उन चैनल्स के ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए करना होगा जो यूनिकॉमर्स के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है ये चैनल्स आपको कस्टम चैनल्स की लिस्ट में दिखेंगे या फिर आप ये स्टेप ऑफलाइन ऑर्डर्स के लिए यूज कर सकते हैं ऑर्डर्स लिंक पर क्लिक कीजिए और ऑर्डर्स पेज पर क्रिएट बटन क्लिक कीजिए बेसिक डिटेल सेक्शन में पहले ऑटो जेनरेटेड ऑर्डर कोड चेक बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए अगर आप अपना ऑर्डर कोड डालना चाहते हैं तो ऐसी वैल्यू एंटर कीजिए जिससे आप ऑर्डर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस वैल्यू में अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों हो सकते हैं आप चाहें तो डिस्प्ले ऑर्डर कोड भी भर सकते हैं ये वो ऑर्डर कोड है जो कस्टमर्स को दिखता है अब चैनल आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं ये उन कस्टम चैनल्स की लिस्ट है जो आपने पहले कन्फिगर करे हैं अब आपको ऑर्डर डेट एंटर करनी है ऑर्डर डेट में ऑलरेडी आज की डेट होगी आप चाहें कैलेंडर में सिलेक्ट करके पहले की डेट एंटर कर सकते हैं पेमेंट मोड में आप बता सकते हैं कि ये ऑर्डर सी है या प्रीपेड। आप ऑर्डर की करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू इंडियन रूपीज होती है कस्टमर डिटेल सेक्शन में पहले कस्टमर का बिलिंग एड्रेस एंटर कीजिए उसके साथ कस्टमर का नाम और फोन नंबर भी एंटर कीजिए अगर शिपिंग और बिलिंग एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को सिलेक्टेड ही रहने दीजिए नहीं तो आप इस चेक बॉक्स को डी सिलेक्ट कीजिए और कस्टमर का शिपिंग एड्रेस भर दीजिए यहाँ भी कस्टमर का नाम और फोन नंबर एंटर कीजिए आइटम डिटेल सेक्शन में आप ऑर्डर के सारे आइटम की डिटेल्स दे सकते हैं सबसे पहले आइटम नेम एंटर कीजिए अगर आइटम नेम ऑलरेडी लिस्टिंग्स में डिफाइंड है तो आपको उस आइटम नेम का ऑप्शन पहले दो कैरेक्टर्स टाइप करने पर दिखाई देगा आप चाहें तो उस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं या नया आइटम नेम एंटर कर सकते हैं इसके बाद इस आइटम के नंबर ऑफ यूनिट्स और सेलिंग प्राइस एंटर कीजिए सेलिंग प्राइस में सारे टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड होने चाहिए अगर आप ऑर्डर में और आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर आइटम पर क्लिक कीजिए आप जब आइटम्स ऐड करते हैं तो उनका टोटल अमाउंट आप सब टोटल या पेबल फील्ड्स में देख सकते हैं आप किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस पेमेंट्स या डिस्काउंट्स ऐड कर सकते हैं जो आप इस ऑर्डर पर देना चाहते हैं आप ऐसा ऐड अनादर आइटम पर क्लिक करके कर सकते हैं अब आप पेबल में वो अमाउंट देख पाएंगे जिसमें एक्स्ट्रा चार्जेस पेमेंट्स या डिस्काउंट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं फाइनली क्रिएट ऑर्डर बटन पर क्लिक करके ऑर्डर क्रिएट कीजिए अब आप इस ऑर्डर order को ऑर्डर्स पेज पर पेंडिंग ऑर्डर्स टैब पर देख पाएंगे आप इस ऑर्डर के शिपमेंट को भी शिपमेंट्स पेज पर देख पाएंगे इस शिपमेंट का स्टेटस अभी क्रिएटेड होगा अब ऑर्डर्स क्रिएट करने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद